कुछ फैक्ट्री के लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो वो नेशनल पार्क बोरीवली में पिकनिक के लिए चले गए। दोपहर में जब उनको टाइम मिला सोचे भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का सामान जितना जो है बैट बॉल वगैरह लेकर आ गए थे, अब वो क्रिकेट खेलने का मूड हो गया। अब उनमें से कुछ लोग ऑफिसर्स थे, कुछ वर्कर्स थे, तो कुछ प्लेयर्स कम थे, तो उन्होंने अनाउंस किया भाई वर्करों में से अगर कोई खेलना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो साहब देखिए वर्करों में से कुछ लोग आ गए, एक मद्रासी भाई ने कहा ये मैं भी खेलूंगा क्रिकेट, मैं खेलूंगा। भाई आप खेलेंगे? हाँ मैं पकड़ूंगा, मेरा घर में मैं क्या क्या पकड़ता मालवा, मेरा औरत क्या क्या फेंक के मारता मैं छोड़ता नहीं पकड़ता। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए पकड़ लीजिए। महाराष्ट्र भाई एक ढूंढिया आ गए, उन्होंने कहा मैं भी खेलेगा, मेरा भी नाम लिखो। भाई आप क्रिकेट खेलेंगे? हाँ फिर क्या, गावस्कर खेल सकता नाम नहीं खेलेगा, हमारा गांव वाला है गावस्कर, फिर हम भी क्रिकेट खेलेगा, हमारा भी नाम लिखो। भाई ये क्रिकेट? अरे मालूम है क्रिकेट, तुम्हारा चंडू क्या है वो फेंको और हम क्या करता है वो देखो। बोले ठीक है भाई आप भी आ जाइए। अच्छा कंपनी के जो गेट कीपर होता है, गोरखा जिसे कहते हैं नेपाली, गेट पे जो खड़े होते हैं, वो साहब को भी जोश आ गया। गेट कीपर वो आ गए, उन्होंने कहा वो साहब देखो सब लोग खेल रहा है, एक चांस हमको दियो, हम भी आपके साथ में क्रिकेट खेलेगा, अच्छा बात है, देखो एक चांस हम तुम्हारे संग में। भाई साहब आप गेट कीपर हैं? वो आप गेट कीपर है, आपका विकेट कीपर रहेगा, हमको रखो। ठीक है आप भी आ जाइए। वो भी आ गए साहब। अब हमारे सिंधी भाई थे एक, वो साहब आ गए, चेला रमानी टाइप के कैरेक्टर थे। उन्होंने कहा बड़ी देखो भाई हम तो ऐसा क्रिकेट बड़कट खेलेंगा नहीं, बाकी ऐसा है ना हमारा इसका क्रिकेट का सामान जितना है ना उसका हमका होल सेल का बिजनेस है हमारा, इसका हमको बड़ी जजमेंट है, हम इसका ऐसा हम एम्पायर गिरी करेगा तो झाड़ेगा ना, बाकी ऐसा है ना तुम लोग ऐसा एम्पायर गिरी करता है हम टीम में देखता है वही आउट होता है, तो वो अंपायर जो होता है मोटा आदमी है खड़ा होता है ना एम्पायर, वो ऐसा उंगली ऊपर करता है एक, बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा कानून अलग है, हम पांच उंगली ऊपर करेंगे और बोलेंगे लख लानत भेड़ा चढ़िया हल। हमारा सिंधी में जो काम करनी होता है ना उसको हम ऐसा कर देता है, तो भी जैसा हम ऐसा करेंगे तो तुम उधर से हल जावे समझा ना, तो भले अभी हम शुरू करेंगे चलो भाई बैटिंग कौन कर रहा है, तो एक ग्रुप ने बैटिंग करके उन्होंने 70 रन बना के ऑल आउट हो गया। अब वो निकल गए, अब दूसरा ग्रुप ये वर्करों में से आ गए कुछ लोग, अब बैटिंग के लिए एक साहब आ गए महाराष्ट्र भाई ढूंढिया, वो बैटिंग अभी उनको 70 रन से ज़्यादा बनाना है और ढूंढिया को बड़ा टेंशन है कि 70 रन से ज़्यादा बनाना चाहिए, अब वो बैट लेकर आ गए। आओ भाई ढूंढिया कांग्रेचुलेशन बाबा आ जाओ, भाई तुम तो ओपनर है भाई, ओपन में आया है तुम, ओपन में क्या आया हमको मालूम नहीं है, हम मट का खेलना बंद कर दिया। बिना चढ़िया समझता नहीं भाई, तुम अभी ओपन है, ओपन ओपन में तुम आया, हम आता है ओपन में और जाता है भी ओपन में, हम पूरा ओपन टू क्लोज आदमी है, हमको खाली इतना बताओ किधर खड़ा रहने का। बिना ये विकेट है इधर तुम खड़ा रहो, मालूम है हमको विकट है पन इधर खड़ा रहने का उधर खड़ा रहने का। भाई बाबा उधर विकेट कीपर खड़ा रहेगा, तुम इधर खड़ा रहो, हमको किधर भी खड़ा करो, हमको चंडू से मतलब है। अब वो मद्रासी भाई बॉलिंग के लिए आ गया और वो बॉल अपने पैंट से घिस रहे हैं, तो चिलर अपना सिंधी भाई ने कहा एम्पायर ने भाई मद्रासी ऐसा मत घिसो, बाल को पेंट से घिसता है चढ़िया किधर का, बाबा ऐसा मत घिसो भाई मत घिसो, कहीं को नहीं घिसेगा, वो कपिल तो घिसता उसके पास लाइसेंस है क्या, मैं घिसने के टाइम में मेरे को ऐसा कहीं को बोलता तुम भाई मद्रासी तुमको बोला ऐसा मत घिसो चढ़िया, बाबा भगवान के लिए ऐसा मत घिसो बाबा, वो भाई वो ऑलरेडी घिसा हुआ है उसको मत घिसो। पागल किधर का, वो टेनिस बाल है टेनिस बाल, ये सीजन बाल थोड़ी है घिसता है, या कोई भी सीजन आएगा मैं घिसेंगा।
भाई अभी तुम जल्दी करो भाई, बालिंग करो भाई। ढोंडिया हम खड़े हे मद्रासिया, जरा तुम्हारा वो चंडू मटलो जरा आस्ती फेंको, मेरे को दिखना मांगता का नहीं। चंडू जरा नहीं दिखेगा कल कंपनी में, तुम नहीं दिखेगा। मद्रासी भाई ने कहा ये वो माई फेंकेगा, तुम भी बार बार कड़ो, मेरे को वो तीन लकड़ी भी क्लियर दिखना मांगता है। अयो राम मुर्गा स्वामी, बॉलिंग किया और ढूंढिया भाई ने जो कस के मारे, वो बॉल पता नहीं कहां चला गया, उसके पीछे पांच छह प्लेयर भागे और ये ढूंढिया भाई रन ले रहे हैं। ए, भागो, छोड़ने का नहीं, भागो। ये भाग रहे हैं, चार रन लिए। सिंधी भाई ने कहा भाई ढूंढिया चुप करो, खड़ा रहो, चार रन लिया ना, अच्छा किया, खड़ा रहो, ऐसा बाल को मारा मालूम नहीं बाल किधर गया, बाल का पता नहीं, सही चलिया, खड़ा रहो। बॉल बॉल पता नहीं तो हम क्या करेगा, तुम बॉल लेके आओ, ए भाग रहे। बॉल का पता नहीं और ये भाग रहे हैं, छह रन ले लिए उन्होंने। अरे बब्बा भी शिक्षण हुआ ना, चुप करो, रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या, बिना बाल मिला नहीं है, तुम भागता है, तुमको बोला अभी खड़ा रहो, सांस लियो, अरे ये भागता है। अरे तुम बॉल लेके आओ, वो लोग 70 रन बनाया, हम क्या करेगा, फिर तुम बॉल लेके आओ, हम भागते रहेंगे, भागो रे। ये महाराज सिंह भाई भाग रहे हैं, ढूंढिया भाई बॉल का पता नहीं 10 15 20 25 30 रन ले लिए ढूंढिया भाई। मद्रासी भाई भागता हुआ है, बॉल लेकर आया और स्टंप उड़ा करके उसको रन आउट कर दिया। ढूंढिया भाई रन आउट हो गए, भाई चल भाई हल्ले बाबा हल्ले, वो वहां से हल गए। लेकिन विकेट कीपर जो था गोरखा नेपाली, उसने मद्रासी को, मद्रासी से कहा वाह मद्रास आदमी बहुत तकरा, बोल लगा तुमको, बोल मिल गया है, ये तुम अगर बॉल नहीं लाता था ये ढोंडिया पूरा सेंचुरी बनाता था, ये अच्छा हो गया तुम बॉल लगा है, बहुत अच्छी बात है तुमको बॉल मिल गया। मद्रासी भाई ने कहा ये बॉल मिला नहीं, वो बॉल मिला नहीं फिर किधर चलाया, ये किसको बोलना नहीं, वो ढोंडिया इतना भागता था हम क्या करेंगे, वो बात सुनता नहीं, बॉल मिला नहीं, मैं जाके वो बाजू का दुकान से खरीद के लाया। वो तुम बहुत ऐसा किया, तुम जल्दी हो गया, 4 रुपए का बॉल खरीद के लाया, नहीं तो ये ढोंडिया जिंदगी भर रन लेता था।